मित्रों, पटवों की हवेली, वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्चर, जो कि जैसलमेर में है, जैसलमेर द गोल्डन सिटी, तो वो आज हम देखने वाले हैं कम्प्लीटली। ये जो पटवों की हवेली है, ये आज से 300 साल पहले बनी थी, और गुमानचंद पटवा, तो ये एक जो पटवा जाति होती है, ये लोग उसका काम करते हैं, जरी का, मोती वगैरह चुनने का, माला बनाने का, तो इनका काम जस्ट लाइक सुनार की तरह से ही होता है। लेकिन यहाँ जो है जैसलमेर में है, जैसलमेर में ये फेमस थे, और ये जो पटवों की हवेली है, ये अपने आप में आज से 300 साल पहले ये बनी, और 1805 में ये बन के तैयार हुई, तो अराउंड इसको 55 ईयर्स, अब आप देख लीजिए कि 55 साल जिस पूरे चीज़ को, हवेली को बनने में लगा, तो टोटल टाइम यहाँ पे लगा 55 ईयर्स। और मिस्टर गुमानचंद पटवा जो थे, उनके 5 लड़के थे, तो उन 5 लड़कों के लिए इन्होंने 5 हवेलियाँ बनाई। तो ये जो हवेली आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी कम्बाइंड है, ये सारी 5 हवेलियाँ कम्बाइंड है, और उसमें से आप देख सकते हैं कि ये एक का गेट बंद है। फर्स्ट गेट में जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट आर्ट एंड क्राफ्ट डिपार्टमेंट जो है वो वहाँ पे वो चलाता है, तो इसको हम ऊपर जाके भी डिस्कवर करेंगे। जितने आप एक गेट देख रहे हैं, सेकंड गेट ये वाला बंद है, और थर्ड गेट ये दिखाई दे रहा है सामने, ये भी बंद है, राइट, एंड दिस इज़ फोर्थ गेट। फिफ्थ गेट में अभी रह रहे हैं, तो यहाँ जेट प्लेन्स जो है जैसलमेर में कंटिन्यूसली फ्लाई करते रहते हैं, उसकी आवाज़ ज़रूर आ रही होगी आपको। तो देखिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज द्वारा ये संरक्षित स्मारक है, और जो इन पे जो कार्विंग वर्क हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट। आप इसको अभी, हम इसका ओवरव्यू मैं बाहर से आपको दिखा रहा हूँ, और जैसे ही पॉसिबल होगा तो हम इसमें अंदर भी एंटर कर जाएंगे और उसको अंदर से देखेंगे। तो देखिए, इसको इसी तरह से यहाँ से देखा जा सकता है, ये यहाँ पे आप एक शिलालेख किया है इसका, कि संग्रहालय विभाग द्वारा। अगर हम पीछे से देखें, अगर टोटल स्ट्रक्चर, गाइज लेट मी कंप्लीट द दिस पार्ट आल्सो। ये जो है यहाँ से जो उस तरफ, जैसे हमने गेट के अंदर से उधर देखा था, और इस वाले एंड पे आएंगे, चारों तरफ से जो हवेली है आश्चर्य से भरी हुई है। इस पे जो वर्क है, इट इज़ अ वर्ल्ड फेमस वर्क, राइट। और मैं सजेस्ट करता हूँ, जो भी पॉसिबल है जैसलमेर आ सकता है तो उसे ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि फेमस है, हमने सुना हुआ है, लेकिन हम उनको देखते नहीं हैं। गाइज देखिए, फुल व्यू, आउटसाइड व्यू मैं दिखा रहा हूँ इसका, हवेली का, यहाँ से लेके कंटिन्यूसली 5 हवेलीज हैं, और उस एंड तक जो है आपको 5 की 5 हवेली दिख रही हैं। वो जो मेन गेट है वहीं से स्टार्ट हो जाती है, और ये एंड होती हैं यहाँ पे आके, इस तरफ, यहाँ पे जहाँ पे पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का बोर्ड लग रहा है, यहाँ तक पटवों की हवेली है। उस प्रेमिसेस में भी अंदर अगर आप देखेंगे, तो यहाँ जो है जैसलमेर की जो यहाँ की चीज़ें हैं, उसकी पूरी झलक। कई बार जैसलमेर की टी शर्ट वगैरह ले जाना लोग पसंद करते हैं। पास से जो है व्यू इस तरह का नज़र आने वाला है, जैसे जैसे हम पास आ रहे हैं, और अब हम ऊपर चढ़ते हैं। ये हाउस टेम्पल है, तो उस समय का ये मंदिर उनका, तो हवेली के अंदर से बाहर का ये झरोके से व्यू, हवेली में रखे हुए सामान, ये देखिए कितनी बड़ी घड़ी है, और ये जो उस समय टेलीफोन यूज़ होता था, टेबल, और ये मेरे ख्याल से फैन है, चौसर जो पहले खेला जाता था, और ये म्यूज़िक प्लेयर हो गया, दूसरी बच्चों की गाड़ी, और सितार, और उनकी पेटी, देखिए पुराने ज़माने की सिलाई मशीन, और इसके बाद में ये केरोसिन ऑपरेटेड प्रेस, इस पर लिखा हुआ केरोसिन ऑपरेटेड प्रेस।
तो ये देखिए गाइस, ऊपर जो छत है ये पटवों की हवेली में, ये पूरा गोल्डन वर्क हो रखा है छत पे। तो ये जो पांचवें नंबर की हवेली है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है, और इसको भी आप देखिए अंदर से किस तरह का नज़ारा आता है। अब बिल्कुल एक्चुअल फॉर्म में है, इसमें कोई चेंजेस किए गए नहीं है। किस तरह से झरोके होते थे, किस तरह बैठने की जगह है, और ये छोटे छोटे दरवाजे होते थे, इनमें सामान रखने की जगह होती थी। तो फर्स्ट फ्लोर से इस तरह की छटा दिखाई देती है, और बाय चांस मैं यहाँ अकेला ही हूँ तो बहुत आसानी से आपके लिए मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। ये फर्स्ट फ्लोर से इस तरह से नज़र आती है। तो गाइस मैं यहाँ पे थर्ड फ्लोर पे आ गया हूँ इस पटवों की हवेली में, और यहाँ से जो नज़ारा है अंदर बहुत ही एकदम प्लेन कहना चाहिए कि बाहर जितना भी जो वर्क है, जितना भी जो कार्विंग वर्क है, अंदर हवेली उतनी ही सिंपल है। अंदर खाली रहने के हिसाब से सारा सिस्टम बनाया हुआ है, जो भी कार्विंग वर्क है वो खाली बाहर ही बाहर नज़र आता है इतना, बाकी अंदर जो है आपको ऐसा कोई खास इस तरह की चीज़ मिलेगी नहीं। तो गाइस मैं बिल्कुल टॉप पे आ गया हूँ पटवों की हवेली के एकदम टॉप पे, और यहाँ से जो नज़ारा है जैसलमेर का अलग ही तरह दिखता है। और इस तरफ भी मैं दिखाऊंगा आपको कि यहाँ से आप इस तरफ देखेंगे तो वो देखिए नीचे की तरफ जो है पूरी हवेली यहाँ से देखी जा सकती है, और सामने जैसलमेर फोर्ट नज़र आ रहा है। जैसलमेर फोर्ट देखिए, फर्स्ट वाली हवेली के ऊपर आ चुके हैं फर्स्ट पार्ट पे, और वहाँ पे भी एक झरोका देखने को मिल रहा है कार्विंग वर्क। अगर आपको आप बिल्कुल पास से देखना है बारीकी से तो यहाँ पे देखा जा सकता है, एक झरोका है इसमें आप आराम से जाके बैठ सकते हैं, और अगर ऊपर बारिश भी आ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लॉक लगा हुआ है। तो गाइस बिल्कुल टॉप से छत से आपको व्यू दिखाता हूँ मैं पटवों की हवेली से किस तरह से पूरा जैसलमेर नज़र आता है। तो यहाँ जैसे ही हम नज़र डालेंगे सब जगह एकदम येलो स्टोन या गोल्डन स्टोन जिसे बोलेंगे, जब धूप पड़ती है तो गोल्डन दिखता ही है। तो ये सामने वही नज़ारा जैसलमेर फोर्ट का, और ये जो घर हैं सब कुछ पीला पीला, सब कुछ येलो गोल्डन बोलिए, दैट्स वाई द जैसलमेर इज़ इन अ गोल्डन सिटी। और कहीं पे भी नज़र डालो आपको मकान उसी पीले पत्थर से बने हुए दिखेंगे। तो मैं अभी पांचवें पार्ट में हूँ हवेली के, इस पांचवें पार्ट में, पांचवें में यानी कि पांचवें बेटे के लिए जो हवेली बनी थी उसमें हूँ, और वो जहाँ पे ऑडियंस वो दिख रहे हैं कई सारे, तो वो फर्स्ट वाली हवेली है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और सेकंड थर्ड फोर्थ हवेली बंद पड़ी है। तो आप फर्स्ट में जा सकते हो या फिफ्थ वाले में जा सकते हो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है। इस तरह से यहाँ 50 रुपीज़ का यहाँ पे टिकट लगता है वो, और फर्स्ट वाली में 100 रुपीज़ का टिकट लगता है। सो गाइज ये व्लॉग पटवों की हवेली आपको कैसी लगी ये ज़रूर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस व्लॉग को, चैनल को BPS चौहान व्लॉग्स, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।